हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषा व्लॉग्स चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और यहाँ मैं सुबह सुबह मैं उठ के नहा के पूजा कर ली। और ये देखिए माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये मेरा मंदिर। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया पोहा और इसके साथ चाय। तो अभी आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो चाय वाय पीने के बाद मैं थोड़ा आराम करने चली गई रूम में। मैं लगातार काम नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं सर में इतना दर्द हो रहा था, इतना कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर से एक दिन पहले मेरे हस्बैंड बात किए थे, तो वो जो डॉक्टर दवा लिखी थी वो मैं ली थी, बट मुझे उससे कोई भी रिलीफ नहीं हुआ था। तो इसलिए फिर डॉक्टर से हस्बैंड बात किए, तो डॉक्टर बोली आप आ जाइए तुरंत हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल चली गई। तो यहाँ सबसे पहले मुझे स्टेम दिया गया मुझे, क्योंकि मुझे सर्दी थी, सर्दी कोल्ड एंड कफ था। तो उसके बाद मुझे ये जो दवा वो मुझे दी थी, मुझे खाना था, वो असर नहीं कर रहा था मुझे, इसलिए उसी दवा को ये लोग इसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू उन लोग मेरे मुझे दिए। तो फिर जाके मुझे थोड़ा आराम मिला। और डॉक्टर का कहना था कि मेरे बॉडी में पानी की कमी हो गई है। तो फ्रेंड मैं आपसे बोलूँगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है या फिर मैं तो बोलूँगी सबको, इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है ना कि पानी की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तो मेरा तो बहुत बुरा हाल था, मैं सर दर्द इतना हो रहा था 3-4 दिन से कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और यहाँ सारे दवा मुझे चढ़ने लगे और फिर मुझे थोड़ा आराम मिला। तो मैं आई थी 1-1.5 बजे के आसपास और शाम रात को 9 बजे फिर हम घर गए। तो यहाँ हस्बैंड और मेरी बेटी हॉस्पिटल ही में थे। फिर यहाँ तो, क्योंकि 3 बज गए थे, तो मैं हस्बैंड को बोल दी कि आप घर जाइए और खिचड़ी दली जो भी हो आप बना लेना, मानवी को खिला देना। कि दवा चढ़ते बहुत मुझे टाइम लगता, 5-7 घंटे डॉक्टर बोले थे। तो मैं बोली आप दोनों घर जाइए, खा लीजिएगा और मेरे लिए टिफ़िन में ले आइएगा पैक करके। तो उसके बाद हस्बैंड आ गए थे और ये शाम का टाइम है, तो वहाँ मैं बैठ के खुद से खा रही थी, मेरे हस्बैंड खिला रहे थे, बट मैं बोली नहीं मैं एक हाथ से खा लूँगी। और उसके बाद ही शाम का टाइम है, हस्बैंड मेरे लिए चाय लेकर आए थे और मेरे शाम को चाय पीने का मन कर रहा था, तो बिस्किट चाय हस्बैंड पैक करा कर लाए थे, देखिए। और हम बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, तो ये सब चीज़ें होती है ना, तो मेरे मतलब मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो फैमिली अपने फैमिली से दूर रहती है, जिनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, उनको तो सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा ही डर जाते हैं। बाकी ये सब मेडिसिन मुझे डॉक्टर दी थी। तो रात को 9 बजे तक हम फ्री हुए, फिर हम घर आए। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैं क्या बताऊँ। फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और बस मैं घर आके फ्रेश होके सो गई। मैं कुछ भी नहीं खा पाई, सिर्फ मैंने पानी पिया और मैं सो गई। और ये नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअली केक बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था और मेरे हस्बैंड का भी नहीं। हम ही 3 लोग हैं, तो मैं बोली पेस्ट्री ही बस आप ले आना। तो ये पेस्ट्री और कुछ पकौड़े वगैरह मैं बना ली थी, तो बस यहाँ मैं वही कट कर रही थी। तो ये सेलिब्रेट हम अच्छे से नहीं किए, हम सोचे थे बाहर बाहर जाएंगे, बट कोई नहीं। फिर 2 दिन बाद मैं गई बाहर, अच्छे से हम लोग रेस्टोरेंट में खाए पिए, बट अभी भी स्टिल मेरे सर में हल्का दर्द होता है। तो डॉक्टर ने बोला है वो धीरे धीरे जाएगा। तो मैं सारे प्रेग्नेंट लेडीज से यही बोलूँगी कि अपना अच्छे से ख्याल रखें।